हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक अच्छा सा फेस्टिव लुक क्रिएट करूँगी जो कि जल्दी भी हो जाए और ज़्यादा स्टाइलिश भी लगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपना मेकअप एक शीट मास्क को लगाने से स्टार्ट करूँगी। शीट मास्क जो होता है आप अपने स्किन के टाइप पे ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सीरम मास्क लाइट कंप्लीट यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको वैसे नेचुरल, वैसे आपको जो यूज़ करना चाहिए वो होता है विटामिन सी से रिलेटेड शीट मास्क। अगर आप यूज़ करते हैं वो आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। शीट मास्क आपकी स्किन के लिए इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि आपके मेकअप में एक अच्छा बेस है, एक अच्छा लुक है, उसके लिए आपकी स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए अच्छे से। तो शीट मास्क आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन करने का काम करता है। अब मैं इस मास्क को मैंने 15 मिनट्स लगा लिया है और उसके बाद जितना रिमेनिंग जेल है, उसका सीरम है, उसे हम अच्छे से मसाज करके अपने स्किन में एब्जॉर्व करने के लिए छोड़ देंगे। मेकअप के अच्छे लुक के लिए आपकी स्किन अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है तो आप उसके अलावा आप कोई और सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। जो सीरम आते हैं बॉटल्स में, आप उनकी भी कुछ ड्रॉप्स लेकर के अपनी स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मेरी स्किन प्रिपेयर हो गई है अच्छे से। मैं अपनी स्किन पे अब अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। आपकी स्किन मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके का जो आपकी स्किन पे सूट करता है उस तरीके के मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा बेस देता है, आपकी स्किन को ज़्यादा ऑयली नहीं करता है, एक हल्का सा टेक्स्चर देता है, बहुत लाइट वेट है और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं प्राइमर का एक हल्का सा कोट लगाऊंगी। मैंने कलर बार का प्राइमर यूज़ करा है, आप अपनी चॉइस का कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से अपने स्किन को, अपने नेक को कवर करते हुए आपको ये पूरा एक अच्छा सा बेस लगाना है प्राइमर का। मैंने अब ये फिट मी का फाउंडेशन लिया है और मैं वो उसे अपने चेहरे पे हल्के से डॉट्स बनाते हुए मैंने एक हल्का सा लिया है और उसे मैं पूरे फेस पर एप्लीकेटर की हेल्प से मैंने उसे लगा लिया है। अब उसे स्पंज से मैंने सेट कर लिया है। आपको अपने नेक और ईयर्स को भी कवर करते हुए लगाना है। अब मैं हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं एक हल्का सा कंसीलर की लगाऊंगी। कंसीलर को भी मैंने स्पंज से सेट कर लिया है। अब मैंने अपने आईब्राउज़ को फिल करने के लिए मैंने एक आई शेडो पैलेट से हल्का सा ग्रेश कलर चूज़ किया है और उसे मैं इससे फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और इस पूली की हेल्प से मैंने अपने ब्राउज़ को थोड़ा सेट कर लिया है जो कि एक्स्ट्रा रिमेनिंग जितना भी वो हो उसका पाउडर वो सब निकल जाए और वो गॉडी ना लगे। अब मैंने लूज़ पाउडर की हेल्प से अपने मेकअप को सेट कर लिया है। जो बेस है अब बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो ऑयली ना हो, इसलिए मैंने उसे सेट कर लिया है। अब मैंने एक ये लाइट कलर लिया है रिवॉल्यूशन के पैलेट से और आईज़ के कॉर्नर और क्रीज को कवर करते हुए एक मैंने बेस तैयार कर लिया है।
अब उसके बाद मैंने ये रोज़ गोल्ड ग्लिटर में जो कलर है उसको चूज़ किया है, और उसे अपने फिंगर टिप की हेल्प से अपने इनर लिड को कवर करते हुए अपने मिडिल लिड तक उसे लगाया है। अब मैंने वही जो कलर लिया था फर्स्ट बेस का, और उसे एक डार्क शेड से हल्का सा टच करते हुए मैंने एक कॉर्नर पे क्रीज देने का कोशिश किया है, और मैंने नीचे भी वैसे ही अपने पलकों के नीचे भी वैसे ही वाटर लाइन के बाहर हल्का सा एक टचअप किया है। एक लाइट कलर और रोज़ गोल्ड ग्लिटर कलर से मैंने आउटर लाइन को भी कवर करने की कोशिश करी है। अब एक लाइट हाइलाइटर से मैंने अपनी आंखों को हाइलाइट करा है। अब मैंने सॉफ्ट कलर से एक डार्क सॉफ्ट कलर से ब्राउन कलर से मैंने एक मैं आईलाइनर नहीं लगाया है, मुझे सॉफ्ट लुक देना है, इसलिए मैंने उसे एक सॉफ्ट कलर से मैंने लाइनर की तरह उसे लगाया है ब्रश की हेल्प से। अब मैंने लक्मे आइकॉनिक काजल को मैंने यूज़ करते हुए अपनी आईज़ को अपने काजल लगाया है ऊपर और अंदर दोनों की तरफ। अब मस्कारा से मैंने अपनी आंखों को अपनी पलकों को मुझे मैंने फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं करी हैं, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही सॉफ्ट लुक चाहिए था अपनी आंखों का। अब मैंने रिवॉल्यूशन का ये पिंक कलर का ब्लशर यूज़ किया है। अपनी नोज़ को भी हल्का सा टचअप करते हुए मैंने एक अच्छा सा लुक दिया है। मुझे एक अच्छा नेचुरल पिंकिश ग्लो चाहिए था, उसके लिए मैंने इस तरीके से ब्लशर को यूज़ किया है, और अब हाइलाइटर से अपने चीक बोन्स को हाइलाइट कर रही हूँ। ब्रश को बहुत ही हल्के वे में पकड़ना है आपको और उसे अच्छे से करना है। आप यहाँ पे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन ब्रश या फिर कोई भी ब्रश जिससे आपको लगता है आप हाईलाइट कर सकते हैं अच्छे से। अपनी नोज़ को भी आपको ऐसे हाईलाइट करना है। अब मैं अपनी नेक को कॉन्टोर करने के लिए उसी पैलेट में से एक डार्क शेड ले रही हूँ और उससे कॉन्टोर कर रही हूँ। मैंने लिप कलर के लिए एक रेड कलर की कलर बार की लिपस्टिक ली है। मेरा मेकअप तैयार है और पूरा ड्रेसअप होने के बाद ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।